जय महाकाली माँ। दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। आपके लिए एक संकट निवारणी महाकाली मंत्र लेके आए। ये ऐसा सावर मंत्र है, ऐसी शक्ति है, बड़े से बड़े भूत, बड़े से बड़े जिन्नात, भूत प्रेत मैली मशान जिन्न पिशाच, इससे कोई नहीं बच सकता। बड़े से बड़े भूत प्रेत को जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े जिंद पिशाच को जाना पड़ेगा छोड़ के। कैसा भी किसी को शैतान लगा हो, कैसा भी किसी को प्रेत लगा हो, कैसा भी किसी को किसी ने चौकी बिठा दी हो, कैसी भी विद्या तंत्र कर दिया हो, कैसा भी किसी ने टोटका कर दिया हो, उन सब मंत्रों की काट है ए महाकाली शावर रक्षा मंत्र। हर प्रकार के संकट को काटने वाला, हर प्रकार की चौकी काटने वाला, बड़े से बड़े तंत्र को काटने वाला, मूठ को लौटाने वाला, ये ऐसा मंत्र है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको जो है सामग्री, माँ काली की एक फोटो रखिए, एक लोटा जल, एक चाकू, एक नींबू सिंदूर और जो बकरे की कलेजी रखिए, कपूर की 6 टिकियां रखिए, लगा हुआ पान रखिए, लाल चंदन की जो है माता के लिए माला रखिए, लाल रंग के फूल रखिए और 6 मिट्टी की जो है ना छोटी छोटी सी जो उसमें आगी रखते हैं कंडे की, उसमें धूप डालने के लिए वो रखिए। इतना शक्तिशाली मंत्र है ये। जो करने से पहले आपको क्या करना होगा, किसी अमावस के दिन या किसी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन या होली के दिन या दीपावली के दिन इसको सिद्ध कर लें और फिर इसके चमत्कार देखें। ऐसा चमत्कार करता है, किसी को ताबीज बनाना हो, किसी को गंडा बनाना हो, उस मंत्र को, इस मंत्र को पढ़ के 7 बार फूंक मार दें, उस आदमी को पहना दे गले में, जो बकबक कर रहा है, जिसको भूत प्रेत लगे हैं, उसके गले में धारण करा दें, तो वो शांत पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी के लिए नजर लगी है तो इस मंत्र पढ़ के 7 बार उसको आप जो है मोर पंख से झाड़ दें, उसको झाड़ने से वो बला सदा के लिए चली जाएगी। यदि किसी को प्रेत चिपका हुआ है, मसान लगा हुआ है, किसी माँ बहन को पीड़ित है, परेशान कर रहा है, उसके लिए आप भभूत लीजिए, जो है गाय के गोबर के कंडा की जो राख रहती है वो ले ले और उस पर 7 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारते जाएं और उस भभूत को, उस रोगी को, उस संकटधारी को जिसको प्रेत लगा हुआ है, परेशान कर रहा है, खिला दें। मेरी गारंटी है 100% ये ठीक हो जाएगा। माता रानी की ऐसी कृपा होगी। उसके लिए आपको इसकी एक माला करनी है, किसी भी सूर्य ग्रहण के दिन, दीपावली के दिन या होली के दिन आपको उसको सिद्ध करना है। तो ये जो सामग्री बताई है, माता की फोटो, एक लोटा जल, एक नींबू, एक चाकू, सिंदूर, बकरे की कलेजी, कपूर की 6 टिकियां, लगा हुआ पान, लाल चंदन की माला, लाल रंग के फूल और 6 मिट्टी के कटोरे रखना है, जिसमें आप आहुति दे सकें, जिसमें उस कलीजी के टुकड़े को चढ़ा सकें। इतना सामान आपको रखना है। तो पहले आप शुद्ध स्नान करके तैयार हो जाएं और सबसे पहले गुरु मंत्र का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें, आदि शक्ति का स्मरण करें एवं उस फोटो जो है माँ काली माँ की, एक चौकी पर विराजमान कर दें। धूप घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक जला दें और माता की पूजन करें, चंदन चाँद लगा दें, लाल चंदन लगा दें, एक लोटा जल अपने पास में रखें और लोटे पर चाकू रख दें, देवी माँ को पान जो है दोनों हाथों में रख के अर्पण कर दें। हे महाकाली माँ जगदम्बा आदि शक्ति, हमारे इस भेंट को स्वीकार करें माँ, और एक नारियल भेंट में माता को दे दें और उनके पास में जो है ना चौकी पर रख दें और माता से प्रार्थना करें। हे माँ, मैं अमुक बालक हूँ, मैं नादान हूँ, मैं अज्ञान हूँ, आपकी जो है मैं इस तांत्रिक मंत्र को, इस साबर मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें जो गलती हो जाए माँ मुझे क्षमा करे। इतनी माता से प्रार्थना करके फिर आप इस मंत्र को पढ़ें। तो मंत्र हम आपको बताते हैं, काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की शाली, चावे पान बजावे थाली, जा बैठे पीपल की डाली, भूत प्रेत
मड़ी मशान जिन्न के जन्नात को बांध के लिया। तेरा बार ना जाए खाली, चले मंत्र पूरो बाचा, मेरे गुरु का सत्य साचा। देख रे महाबली तेरे मंत्र का तमाशा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र सुन ले, काली महा काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की शाली, चावे पान बजाए थाली, जा बैठी पीपल की डाली, भूत प्रेत मड़ी मशान जिन्न को जन्नात को बांध ले जानी, तेरा बार ना जाए खाली, चले मंत्र पूरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। देख रे महाबली तेरे मंत्र का तमाशा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार से 108 बार जो है मंत्र पढ़ ले, इसको सिद्ध कर ले, याद कर ले, एक सांस में पढ़ना है। जब किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच हो तो उस एक नींबू पर मंत्र पढ़ते हुए 7 बार फूंक मार दे, और उस चाकू से जो उसके सर पे से रोगी के काट दे। उसको काटने से वो रोगी चिल्लाएगा, पकपकाएगा, और उससे पूछ ले, बात कर ले, उसको शांत कर दे तो वो शांत हो जाएगा। किसी प्रकार का संकट हो, नजर हो, टोटका हो, जादू हो, टोना हो, तो मोर पंख से उसको आप जो है 11 बार झाड़ दें। तो इस प्रकार से झाड़ने से, इस मंत्र को पढ़ने से वो रोगी ठीक हो जाएगा, माता की कृपा हो जाएगी। इस मंत्र का उपयोग करें और लाभ उठाएं। जय महाकाली, जय।